जिस विषय को, जिस गंभीर विषय को लेकर के हमारे हिमांशु जी आपके बीच आए हुए हैं, सही मायने में यह अत्यंत ही गंभीर विषय है कि हमारे राज्य के अंदर में या देश में कहीं भी अगर भूख के कारण किसी का प्राण अगर जाता है तो इससे दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकता है। इसमें फूड एंड सिविल सप्लाई का भी भूमिका आता है, पदाधिकारी का भी भूमिका आता है और सामाजिक संरचना का भी भूमिका आता है। कहीं ना कहीं जब लोग इस विषय पर कोसना प्रारंभ करते हैं तो हम समझते हैं हम कोई अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते हैं, इसलिए विषय अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इनका ये जो परिपाटी है, इस परिपाटी को मैं सराह इसलिए रहा हूं कि अगर आप अच्छे काम करते हैं, पुरस्कृत होते हैं, तो निश्चित रूप से एक प्रेरणा मन के अंदर उत्पन्न होता है, एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न होता है। और जो काम में लापरवाही बरतते हैं, काम करना नहीं चाहते, नहीं करते हैं, उनको मन मन में लगता है कि आने वाला समय में हम एक बेहतर काम का प्रेरणा ले और आने वाला समय में आयोग के माध्यम से पारितोषिक ग्रहण करने का मौका हमें भी मिले। और दूसरी बात यह है कि जो इस विषय पर, इस विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, वे भले ही समझते हैं कि उनके काम काज के बारे में दुनिया के किसी को कोई पता नहीं, सिर्फ लाभुक और उन्हीं को पता रहता है और बाकी लोग इस खबर से अनजान होते हैं, ऐसा भी नहीं है। उनके सारा गतिविधि, सारा एक्टिविटी, सारे चीज के बारे में सरकार को, जनता को और साथ साथ आयोग को और अगल बगल में बसे हुए जितने सारे पदाधिकारी हैं, सबके दिमाग में उनके द्वारा जो किया गया कार्य है उनके बारे में पता चलता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं हमारा भारत देश के परिप्रेक्ष्य में और विशेष करके झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में आज भी हम लोग अन्न के मामले में, सीरियल्स के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बना पाया है। देश आजाद होने के बाद निरंतर अन्न कना के मामले में हम लोग अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आज आजादी का महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं, लेकिन इतने बड़े कालखंड के अंदर इस विषय से हम लोग आज भी नहीं उबर पाए हैं। आपने देखा होगा उस समय भी सरकार का एक अभियान था, ग्रो मोर फूड, आपने देखा होगा उस समय भी एक अभियान चला था। हम लोग उस विषय पर बहुत सारा मेहनत करने के बावजूद भी भले ही प्रतिशत में कम आया है, लेकिन जदा कदा यह भी सुनने को मौका मिलता है कि भूख से फलाना लोगों का प्राण चला गया, और अखबार के सुर्खियों में जब इस विषय को छपता है तो हम लोग एक्टिव होते हैं, आनंद फानंद में कुछ कुछ निर्णय लेने का काम करते हैं। हमें पहले से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कम से कम इस तरह का खबर न हो और इस तरह का घटना हमारे राज्य में और देश के अंदर में न घटित हो, इसके लिए पहले से ही हमको सतर्कता बरतने की जरूरत है। आपने एक बहुत बड़ा विषय है राज्य के अंदर में फूड एंड सिविल सप्लाई, हम समझते हैं इनका जिला में अधिकारी होते हैं, इनके प्रखंड में अधिकारी होते हैं, निरंतर इनका मॉनिटरिंग होता है और इनके अधीन में जिसको हम लोग कंट्रोल का दुकान भी कहते हैं, गांव गांव में पहले से अनुज्ञप्तिधारी दुकान जिसमें सरकार के द्वारा जो खाद्य सामग्री पहुंचाया जाता है और उनके लाभुकों के बीच में इनको वितरण करना होता है। और हम समझते हैं इस क्रम में एक बड़ा मशीनरी, सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जिला में डीसीओ साहब हैं, पणन पदाधिकारी हैं, मार्केटिंग ऑफिसर हैं और तो बाकी अधिकारी तो है ही हैं, इतने बड़े सिस्टम इस राज्य के अंदर में काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बावजूद भी कभी कभी विसंगति सुनने को हम लोगों को प्राप्त होता है और इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हम लापरवाह रहे, हमारी लापरवाही का भी बू इस विषय से आने का संभावना बढ़ जाती है। इसलिए
जब इस विषय को आप जान रहे हैं कि हम अन्न कना में यानी सीरियल्स के मामले में खाद्य सामग्री के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं कर पाए हैं, तब न यह विभाग की आवश्यकता पड़ी सरकार को कि चलो सरकार के तरफ से कुछ अन्न सामग्री को उन लाभुक तक जो सही मायने में जरूरतमंद है, इसको आंख बंद करके एक विषय आपके दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है। राज्य के किसी जिले को ले लीजिए, किसी ब्लॉक को ले लीजिए, ब्लॉक के बाद किसी पंचायत में जाइए और पंचायत से भी सुदूर गांव और सुदूर गांव के भी अंदर वैसे टोला जहां सही मायने में आज भी गरीबी मौजूद है, जो अपना मेहनत करके अपना घर का संचालन करता है, पेट भरने का काम करता है, वैसे गांव को आपके दिमाग में दृष्टिपथ में रखने की आवश्यकता है। आखिर मैं राज्य से होकर के, जिला से होकर के, ब्लॉक से होकर के गांव के उस कस्बे, उस तहत मोहल्ला, उस टोला तक कैसे पहुंचे जहां जरूरतमंद व्यक्ति आज भी बैठे हुए हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।